Yes, hello and welcome, my dear student. Welcome again to my YouTube study channel. आज जो आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो लेक्चर मैं जीएस का लेने वाला हूँ, ठीक है। और जीएस में हम आज जो पढ़ेंगे वो है ऑप्टिक्स, लाइट, ठीक है। लाइट क्या होता है और ऑप्टिक्स क्या है, इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो इस बार जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें भी तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे गए थे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को जरूर से जरूर अच्छे से समझना चाहिए इस चैप्टर को। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, 1 या 2 चैप्टर के अंदर कोशिश करूंगा सारा कवर हो जाए। लेकिन आप लोगों को फटाफट शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, ठीक है। जितना हो सके कमेंट भी कीजिए, जहां से आप लोगों को समझ नहीं आता वो जरूर पोर्शन हमें बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। हमारा जो सेक्शन शुरू होता है ऑप्टिक्स का यानी लाइट का, जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे तो लाइट एक्चुअल में क्या है और ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स और लाइट दोनों के बारे में समझेंगे। लाइट आप सबको पता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी एक क्या है, फॉर्म है। अगर लाइट को जैसे हम ध्यान से समझें, लाइट को अगर हम कंसीडर करें, लाइट है क्या चीज, अगर आप अपनी बॉडी को देखते हो तो अपनी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप इसको बोलोगे, सेल को बोलोगे ऑब्वियसली, ठीक है। सेल सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। सेल से आपने कहा कि टिश्यू होता है, ठीक है। टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो भैया जिस तरीके से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसे ही लाइट में भी होता है, ठीक है, वैसे ही लाइट में भी होता है। चलो समझते हैं कैसे होता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि लाइट एक्चुअल में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, और उसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या होता है, फोटोन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्वांटा, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। साथ साथ नोट करते हुए पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी होती कितनी है भैया, कितनी होती है, ये होती है E=h न्यू। न्यू यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सबको पता भी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। जूल सेकंड में मेजर करते हैं इसको, और न्यू क्या है यहां पे, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी। गॉट इट। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट क्या है, फोटोन, जिसको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी क्वांटा भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में यूनिट जिसको हमने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा यानी फोटोन, फोटोन से क्या बनेगा, फोटोन से रे बनेगा, ठीक है। रे से बीम, बंडल ऑफ रे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बीम, और बीम से बनती है लाइट। बीम से क्या बनती है, लाइट। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या बनेगा, फोटोन। फोटोन स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं ना, यानी इस फोटोन की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या जिसको हम कह सकते हैं 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, लाइट की स्पीड है, इसमें वैक्यूम में, निर्वात में। तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। अब बात आती है भाई, सबसे पहले तो ऑप्टिक्स किसको बोल रहे हैं, ऑप्टिक्स है क्या, ठीक है, ऑप्टिक्स किसको बोल रहे हैं। तो ऑप्टिक्स को समझने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्टिक्स है क्या इसको हम समझते हैं, ऑप्टिक्स किसको बोल रहे हैं। तो ऑप्टिक्स हमारा स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स वेरियस फिनोमिना। कौन कौन से फिनोमिना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे, यानी लाइट की स्टडी और उसके फिनोमिना, यानी
स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स वेरियस फिनोमिना। अब वो फिनोमिना कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है, वो हम सब सारी समझेंगे। और वो वेरियस फिनोमिना में आता सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है हमारा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग बिखरना। फोर्थ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिफ्थ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सेवंथ है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो बेसिकली ये अलग अलग सेवन फिनोमिना है जो लाइट के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के भी अगर हम पार्ट्स की बात करें, ऑप्टिक्स के भी पार्ट हैं। ऑप्टिक्स के कौन कौन से पार्ट हैं? ऑप्टिक्स के दो मेजर पार्ट हम मानते हैं। एक पहला है जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है भैया। दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे आपको अभी तो समझ आ रहा है लेकिन फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को कंसीडर करते हैं एज ए पार्टिकल। लाइट इज कंसीडर्ड एज पार्टिकल। भाई लाइट का जो है दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। तो लाइट को यहां पे जब हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो वो पार्ट जो है ऑप्टिक्स का क्या हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है लाइट को हम कंसीडर करते हैं वेव। लाइट इज कंसीडर्ड एज वेव, लाइट को क्या कंसीडर किया, वेव, ठीक है। ये दो पार्ट है ऑप्टिक्स के। अब इसमें एक चीज और आती है कि लाइट का फिर नेचर कौन सा कहें, पार्टिकल कहें या वेव कहें। तो जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो लाइट का होता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। बहुत लंबे टाइम तक इसके ऊपर डिस्कशन चला कि भाई ये लाइट का वेव नेचर होगा या पार्टिकल नेचर। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए जिनको ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है पार्टिकल है। कुछ एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंट किए उनसे पता चला कि लाइट जो है वो तो वेव है, ठीक है। लेकिन बाद में ये कंफ्यूजन जो है डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया गया कि भाई लाइट जो है वो कैसा है, ड्यूअल नेचर है, दैट मींस इट कैरीज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। हां जी, तो लाइट जो है ड्यूअल नेचर की होती है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। भाई दोनों नेचर होता है लाइट का, कौन कौन सा नेचर बताया वो, एक तो पार्टिकल और दूसरा वेव, ये दोनों नेचर होते हैं, ठीक है। और लाइट का एक और नेचर ट्रांसवर्स नेचर, लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। लाइट का कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर। लाइट एक क्या है, ठीक है, लाइट क्या है, एक लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लाइट इज ए इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो अब हम बात करते हैं कि भाई लाइट का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है जो आप जानते हो। तो लाइट का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो आपको दिमाग में आएगा वो है सन,
यानी सनलाइट की बात करेंगे हम। सनलाइट में मेजर तीन तरह की लाइट होती है, ठीक है, कितने तरह की, तीन तरह की। साथ साथ में नोट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अगर शेयर करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं भैया, वो तीन पार्ट है, एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, दूसरा है विजिबल रेज, विजिबल रेज, तीसरा आता है इंफ्रारेड, ठीक है। ये तीन पार्ट है लाइट के, सनलाइट को हम इन तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लियर हुआ। अब भाई देखो, सबसे पहले हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को समझ लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ओजोन लेयर जिनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन लेयर, और मेरे ख्याल से सबको पता होता है ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। तकरीबन अर्थ सरफेस से 12-15 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के लगभग 50 किलोमीटर की जो हाइट है वहां तक ये ओजोन लेयर है, ठीक है। ये ओजोन लेयर इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पे आने से प्रोटेक्ट करती है। अगर आ जाए तो क्या होगा, ये हाई एनर्जेटिक लाइट होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, ठीक है। इससे जो है एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा एकदम से, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस ओजोन लेयर को अभी डीके कौन कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। दूसरे टाइप, दूसरे नंबर पे आता है हमारे लिए विजिबल रेज। अब सबको पता है विजिबल रेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, व्हाइट लाइट, ठीक है, श्वेत किरण, व्हाइट लाइट। इसमें 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट होती हैं, और वो है कौन कौन सी, जिनको आप विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हो, विबग्योर, ठीक है। और इन कलर्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये टोटल 7 कलर है जो व्हाइट कलर की लाइट है, यानी जिन लाइट की वजह से हम देख पा रहे हैं वो हमारी विजिबल रेज कहलाती हैं, जिनके अंदर 7 डिफरेंट कलर होते हैं। ये 7 कलर आपको कब दिखाई देंगे, जब हम इन लाइट को पास करते हैं प्रिज्म के अंदर से, तब आपको ये 7 कलर दिखाई पड़ते हैं। इन 7 कलर की अगर हम बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस व्हिच गिव्स हीटिंग इफेक्ट, व्हिच गिव्स हीटिंग इफेक्ट, यानी जो हमें हीटिंग इफेक्ट देती है, ठीक है भैया, ये क्या देंगी, हीटिंग इफेक्ट। जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक रोड है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आप सन लाइट में बाहर बैठते हो, ठीक है, अभी सर्दी का टाइम है, सबको अच्छी लगती है धूप ना, तो आप कौन सी लाइट को लेने के लिए जा रहे हो बाहर, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है, इन हीट्स को लेने के लिए, ये हीट किन में है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अगर ये सनलाइट का पूरा फंडा आपको समझ आ गया है तो विजिबल लाइट को ही हम यहां मेनली डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, वो ये कि भाई ये जो हमने लाइट अभी बनाई है इनमें ये सीक्वेंस को अगर देखें तो इस तरफ क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और इधर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये सीक्वेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए, यानी इस तरफ तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और इस तरफ जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ गया इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जैसे अलग अलग कलर की लाइट दे रखी है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, यानी यूवी लाइट जिसको बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं यूवी, ठीक है, यूवी लाइट,
तो ये इकट्ठी दे रखी है और उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हमें लिखना हो तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। सबसे पहले इधर से सबसे कम वेवलेंथ आपको किसकी नजर आएगी, देखो उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किनकी है, इंफ्रारेड की, और सबसे कम किनकी है, यूवी लाइट की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी उनकी होती है। कलर्स में अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि जो लैम्डा आर है इट इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, यानी वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। क्लियर है? ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम बेसिकली व्हाइट लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली कौन सी लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाइट लाइट। ठीक है, अब देखिए इतनी बात अगर अपने को क्लियर हो गई तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने अलग अलग फिनोमिना, 7 फिनोमिना मैंने आप लोगों को लिख के बताया था, तो उसमें सबसे पहला फिनोमिना आता है लाइट का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पे जाएं तो हमें समझने की जरूरत पड़ेगी मिरर। ठीक है, मिरर क्या होता है, तो मिरर क्या होता है, किसको कहोगे आप मिरर? मिरर क्या है, एक टाइप का एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिवाइस विच गिव्स प्रोजेक्शन, यानी जो छाया दे, एक ऐसा डिवाइस जो क्या प्रोड्यूस करे किसी ऑब्जेक्ट की, प्रोजेक्शन यानी छाया प्रोड्यूस करे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर। मिरर के टाइप की अगर बात करें तो इसके टाइप कितने तरह के होते हैं? हाँ शाबाश, बताओ कितने होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहला है प्लेन, प्लेन मिरर, वेरी गुड। ठीक है, अनदर वन है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। और ये स्फेरिकल मिरर के ही अलग अलग दो टाइप है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, मेनली टाइप प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। पहला है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग, ये भी पूछा हुआ है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, यानी अपसारी, अपसारी हिंदी में देखें तो इसको अपसारी बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, और ये है कनकेव, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है भैया, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर का दूसरा नाम जो है वो क्या कहेंगे, हाँ हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अभिसारी। ठीक है, इसका नाम है अपसारी और इसका अभिसारी, ये क्योंकि रेज को एक जगह पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है जी, ये मिरर हो गए, मिरर के बारे में पता चल गया, बाकी हम डिटेल मिरर की बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारे लिए इमेज, इमेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इमेज क्या होती है, इमेज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रोजेक्शन ही होती है। ठीक है, इट इज दी प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ये प्रोजेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रोजेक्शन। ठीक है, और इमेज के टाइप कौन से हैं, इनके टाइप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिस्टेक नहीं करना है जो चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल मेनली है वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगी उसकी खास बात क्या है, वो इरेक्ट भी होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी। ठीक है, इरेक्ट का मतलब है सीधी भी होगी वो, क्लियर है। वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, हिंदी में आभासी। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है। दूसरा, वर्चुअल के बाद आता है रियल इमेज, रियल इमेज, हाँ जी रियल इमेज, रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी वो। ठीक है,
ठीक है। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, हिंदी में इसको प्रतिबिंब बोलते हैं भैया। हाँ हिंदी खतरनाक होती है भाई। प्रतिबिंब ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको वास्तविक बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है, रियल और इन्वर्टेड भी होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, ये दो तरह की है। अब रियल किसको बोलेंगे, रियल किसको बोलूं मैं, रियल एक ऐसी इमेज होती है जिसको हम किसी स्क्रीन पे देख सकें, जिसको किसी स्क्रीन पे ना देख सकें वो क्या होती है, वर्चुअल ठीक है। जिसको हम स्क्रीन पे देख सकें वो कौन सी होगी, रियल, और जिसको स्क्रीन पे ना देख सकें वो कौन सी होगी, वर्चुअल ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ अगर समझ आ रही है साथ साथ में कमेंट कर जरूर करते रहिए, जब तक कमेंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा हमें पढ़ाने का ठीक है। अभी क्या होता है कि जब काफिले जब चल रहे हैं तो उनके साथ तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जब कोई अकेला चल रहा है तो उसके साथ बहुत रेयरली कोई जुड़ेगा ठीक है। अभी हमने चलना शुरू किया है तो अभी क्या है, कोई यूट्यूब चैनल पे आएगा आप जैसा ठीक है, आकर के बैठेगा थोड़ी देर, देखेगा ठीक है पढ़ा रहे हैं, चलो निकलो कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा इसको। भैया शुरुआत जो होती है वो ऐसे ही होती है, उसके बाद में काफिला जुड़ता है, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ये क्या शुरू किया था इन्होंने और आज कहां पे पहुंच गए, मुकाम कहां पे है ठीक है। तो डियर स्टूडेंट फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ जी अब बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, इमेज के बारे में अपने को पता चल गया। अगर मेरे पास में प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनेगी ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो भैया घर में देखा वही प्लेन मिरर है ठीक है, अलग से नहीं होता, वही मिरर है उसी को हम प्लेन मिरर बोल रहे हैं, उससे कैसी इमेज बनेगी चलो बना के देखते हैं। ये देखिए एक मिरर, जब इसके पीछे पॉलिश करेंगे तभी ये मिरर प्लेन मिरर है, अदरवाइज क्या था ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, अंदर से आर पार जाएगी लाइट। अभी क्या है ये इसका एक नॉर्मल है, ये इसका क्या है एक नॉर्मल, यानी बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर जो है उसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। यहां पे मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये कैसी इमेज बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये बी ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, पहली रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, वापस भी इसी जगह से आ जाएगी, ये पोल है ये वाला पॉइंट ठीक है। दूसरी रे यहां पहुंची और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये परावर्तित किरण ठीक है, यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण ठीक है। अब देखो भैया रिफ्लेक्टेड रे जहां पे जाके मिलेगी वहां पे ही इमेज फॉर्मेशन होती है। अब रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हो एक तो इधर जा रही है एक इधर जा रही है, भैया इनका तो मिलाप कभी हो नहीं सकता ठीक है, चाहे इनको जो है इसकी कुंडली निकाल के देखो ये किसी भी हालत में आगे जाके नहीं मिल सकती, हाँ बिल्कुल भी। तो फिर कहां मिलेगी, कहीं ना कहीं पीछे मिलेगी भाई, पीछे कहां पे मिलेगी चेक करेंगे ठीक है। इस मैंने इस नॉर्मल को आगे तक प्रोड्यूस कर लिया, तो ये पीछे कहां पे मिलेगी देखो, इसका हमने ट्रेस करके देखा पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी ट्रेस करके देखा बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे ठीक है जी। ये यहां कहीं पे इसकी इमेज बनी जिसको हमने बोला ए डैश और बी डैश ठीक है भाई, ये इमेज बनी, समझ आ रहा है। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके गुण क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो इमेज जो है जब भी मिरर के पीछे बनेगी वो वर्चुअल होगी, आभासी होगी, वर्चुअल है ठीक है। रियल में अगर ये मिली होती तो रियल इमेज बनती, ये कैसी है वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ध्यान रखना है, जो चीज सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन बनाते हैं वो, जब बार बार ये जो है एक ऐसा मिरर है इसमें से क्वेश्चन कैसा भी निकाला जा सकता है, बाद में बताऊंगा और क्या चीज है इसके बारे में।
ठीक है। इसकी खास बात क्या है, बिहाइंड मिरर बनी है, बिहाइंड मिरर। और क्या खास बात है इसकी, सेम साइज, सेम साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा है, सेम। ये एच डैश है, एच डैश मतलब इमेज की हाइट, और ये एच है जो ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, इक्वल है। और दूसरी बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस से मतलब है मेरा यहां पे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से रिप्रेजेंट करोगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे यू से, वेरी गुड। और ये इमेज डिस्टेंस, इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मेरे कहने का मतलब, ठीक है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि अभी साइन कन्वेंशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कि किस डिस्टेंस को माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक का, ठीक है, क्योंकि सारे डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और खास बात, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसका कितना होता है हमेशा, m इज इक्वल टू प्लस वन। दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैग्निफिकेशन प्लस वन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी रखिए, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन हमेशा ही कितना रहेगा, प्लस वन रहेगा। इसका आवर्धन जिसको बोलेंगे, आवर्धन कितना रहेगा, प्लस वन रहेगा, नोट कर लीजिए ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार उठाया हुआ है, बहुत बार। m is equal to plus 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो ये पूछता है, कौन से मिरर के लिए है, किस मिरर के केस में होगा, कनकेव कन्वेक्स लेंस पूछ लेगा, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, सिर्फ इसमें मिलेगा, प्लेन मिरर में मिलेगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, नोट करते रहिए साथ साथ में। अब इतनी बात समझ आ गई, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक प्लेन मिरर के बारे में भी थोड़ी सी खास बात समझ लेते हैं। प्लेन मिरर जो है एक ऐसा मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर हम किसको बोलेंगे, ए टाइप ऑफ मिरर, ए टाइप ऑफ मिरर हूज फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। कितनी होती है फोकल लेंथ, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ हमेशा कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। ये ऐसा मिरर है जो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। ये ऐसा मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा m इज इक्वल टू प्लस वन ही रहेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है जी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। जब हम दो मिरर को एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से अटैच करते हैं, मान लो भाई ये मान लो ऐसे दो मिरर है, इसको मैंने मिरर M1 कहा, इसको मैंने कहा M2, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। अब ये कितनी इमेज बनाएंगे, यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी कितनी इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो है n is equals to आएगा, ये याद रखिए, 360 degree divided by theta, theta is the angle between two mirrors, okay? ये value हमें number of images देगी, अगर 360 divided by theta जो है एक क्या आता है, odd number हो, क्या हो, odd number, मतलब जैसे अगर हमने कहा कि 360 डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, तो पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1 करना पड़ेगा, अगर 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 मतलब 360 डिवाइड बाय थीटा हमारा कितना हो, एक इवन नंबर हो, क्या हो, एक इवन नंबर, ध्यान रहेगा। इवन नंबर में जैसे 6 आ गया तो 6 इमेजेस नहीं होगी, उससे एक कम करनी पड़ेगी, ठीक है।
ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिए भैया, इसको याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखिए। और इसको ये कब कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन कब है, माइनस वन आपको नहीं करना, और नंबर अगर 360 डिवाइड बाय थीटा से ही और नंबर निकल के आ गया तो आपको माइनस वन करने की जरूरत नहीं, अगर इवन नंबर आता है तो माइनस वन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर दो मिरर को हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा है जैसे बाबर शॉप पे, ठीक है, नाई की दुकान पे जाओगे कटिंग करवाने के लिए, आमने सामने दो मिरर लगे हुए हैं, पैरेलल हैं, नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देंगी, क्यों बन रही है नंबर ऑफ इमेज, देखिए थीटा कितना हो जाएगा उसके, इसमें जीरो डिग्री, भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो, ठीक है। यहां पे भी अगर दोनों मिरर को मैंने क्या रखा, पैरेलल रखा, पैरेलल रखने पे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360 डिवाइड बाय थीटा, थीटा की जगह आ गया जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो कितना हो गया इनफाइनाइट, मतलब कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ अगर समझ आ रहा है साथ साथ में थम्स अप जरूर दीजिए, कमेंट करिए करिए, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने जो अभी बताया है, इसमें माइनस वन भी कर दोगे, इन्फिनिटी में से एक कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अगर दो मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, 360 डिवाइड बाय 90 यानी 4 निकल के आया। मैंने क्या बताया, 4 इमेजेस नहीं हो सकती, 4 इमेज नहीं हो सकती क्योंकि इवन नंबर है 4, इसमें से हमें एक कम करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, 3 इमेज बनेगी, ठीक है, समझ आ गया, यस वेरी गुड। साथ साथ में नोट करते रहिए, अच्छे से समझ में आ रहा है तो उस लेक्चर को एंजॉय भी कीजिए, लेकिन साथ में समझिए जरूर, क्योंकि जो चीज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपका एनडीए का भी पार्ट है, ठीक है। एनडीए की जो जीएस होती है, जनरल साइंस होती है, जिसमें हम जनरल फिजिक्स पढ़ेंगे, वो जनरल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने उठा रखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया, अभी 2021 का जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस ऑप्टिक्स में से पूछा हुआ था, इसी में से पूछा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सीजीएल हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, टेट का एग्जाम हो, टीजीटी वगैरह का, ठीक है, तो उन सब में पूछा जाता है, ये सारी वही वाली फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ जी, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी इमेज फॉर्मेशन हमने प्लेन मिरर से समझी है, ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जब भी लाइट रेस किसी प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाए, जैसे मान लिया एयर से लाइट जा रही है, सामने एक मिरर लगा हुआ, उसे टकरा करके वापस एयर में ही आ रही है, मतलब वापिस उसी मीडियम में आ गई, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, मतलब कहने का, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारा क्या मतलब है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन सरफेस कम बैक टू द सेम मीडियम, यानी उसी मीडियम में वापिस आ रही है, लाइट किसी प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापिस उसी मीडियम में आए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है, समझ आ गया। रिफ्लेक्शन जो है, अभी हम बात करते हैं, यहां पे एक मैंने क्या ले लिया, मिरर ले लिया भाई, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करते हैं, इस तरीके से बना लीजिए, ये मिरर है हमारे पास और ये हुआ नॉर्मल, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल यानी अभिलंब, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, और ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये तो बात समझ ली कि लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में जा रही है, इसको हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन कहा। जो इंपॉर्टेंट है यहां पे वो क्या है, रिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है, व्हाई रिफ्लेक्शन हैपेंस, ठीक है, कॉज, इसका कारण क्या है,
क्यों होता है? ड्यू टू प्लेन सरफेस। किसकी वजह से भैया? प्लेन सरफेस की वजह से है, ठीक है, एक वजह। तो ये एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया। दूसरी बात, जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये जो रे हमें मिली है, इस रे में क्या क्या चेंजेस आया है? क्या इसकी वेवलेंथ चेंज हुई है? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है? क्या इसकी इंटेंसिटी में कोई इफेक्ट पड़ा है? वो बात डिस्कस करते हैं। क्या इसकी स्पीड चेंज हुई है? तो देखिए, ये चीज मैं यहां समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा हुआ है। नो चेंज इन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। इसकी स्पीड में, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। इंटेंसिटी सम व्हाट चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कम हो गई। इंटेंसिटी कैसे कम हुई भैया? यहां पे आपने क्या ले रखा है? ग्लास ले रखा है। उस ग्लास में लाइट थोड़ी सी अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रेज पर यूनिट एरिया पर सेकंड। मतलब कितनी रेज किसी गिवन एरिया में पर सेकंड कितनी आ रही है, वही क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो कुछ रेज जो है एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि इंटेंसिटी हो सकता है थोड़ी डिक्रीज हुई हो, ठीक है। लेकिन देयर इज नो चेंज इन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज की हम बात करें तो क्या क्या लॉज हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता होता, बड़ा कॉमन सी बात है। बोला कि भैया एक तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। वेरी गुड, सबको पता है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वेरी गुड। अब बात आती है इसके अलावा दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड दी नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये दो इंपॉर्टेंट लॉ है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम अगर देख पा रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जैसे मान लिया कि मेरे सामने अभी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, इस कैमरे को मैं कब देख पा रहा हूं? जब लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही होगी, ठीक है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरे तक आ रही है। वो लाइट जब मेरे रेटिना तक पहुंची, आईज के रेटिना पे पहुंची, रेटिना पे कैसी इमेज बनती है ये याद रखिए, रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैंने कहा था स्क्रीन पे वही इमेज देखी जा सकती है जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बने, ठीक है। स्क्रीन पे अगर नहीं बनेगी तो नहीं देख पाएंगे। तो हमारा रेटिना क्या? एक स्क्रीन है, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं? कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, वही इमेज बाद में ब्रेन सीधी करके रीड करता है। तो जो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज तक पहुंची होगी तभी हम देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज और बताते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एक रेड रोज है, ठीक है, कोई गुलाब है भैया, ठीक है, इस टाइप का मान लो बना लो, ठीक है, ये कोई रेड रोज है, ठीक है, ये कोई रेड रोज है। ये हम कब देख पा रहे हैं? ये आप कब देख पाओगे? जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आईज तक आएगी। लेकिन लाइट में तो 7 कलर हैं। इसने क्या किया होगा? ये रेड क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया होगा, सिर्फ और सिर्फ रेड को छोड़कर के। रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, रेड रिफ्लेक्ट होकर के आपके आईज तक पहुंचा, आपके रेटिना पे इमेज बनाई, इसलिए आपको रेड कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है, समझ आ गया। तो कोई चीज रेड कलर की अगर दिखाई पड़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ
कि बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब किया है, सिर्फ रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसीलिए ठीक है, वो इसीलिए रेड कलर का नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि भैया ये बोर्ड जो है ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, बोर्ड जो है ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, तो इसका क्या रीजन बताएंगे, क्योंकि इसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, सारे 7 कलर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इसीलिए हमें ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लैक, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करेगा तो व्हाइट, सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लैक, सारे कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो व्हाइट नजर आएगा। ठीक है, ब्लू कोई नजर आ रहा है, इसका मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया है, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर हुआ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब बात आती है, एक तो देखिए ये मिरर लगा हुआ है, अगर कोई भी बंदा जो है, कोई पर्सन जो है, अगर इसकी तरफ वी वेलोसिटी से दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, वी, तो इसको अपनी इमेज की स्पीड से आती भी नजर आएगी, ट्वाइस ऑफ वी, ये याद रखना। अगर ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ जाके जा रहा है तो इसको कितनी स्पीड नजर आएगी, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी इमेज आती हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर किसी पर्सन को अपनी कंप्लीट हाइट किसी मिरर में देखना है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, पर्सन की हाइट, मान लिया ये कोई पर्सन है, इस पर्सन की हाइट एच है, तो कम से कम कितनी हाइट का मिरर चाहिए जिसमें ये पर्सन अपने आप को कंप्लीट देख सके, तो वो मिरर हाइट कितनी होगी, वो मिरर हाइट हो जाएगी एच बाय टू। ठीक है, इसकी खुद की हाइट का हाफ। क्लियर हुआ? ये चीज जनरल सी पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी ये हमने सीखा। ठीक है, इमेज होता क्या है, किस टाइप की होती है, ठीक है, और लाइट है जिसको हम पढ़ेंगे, लाइट के अंदर सनलाइट है तो सनलाइट के अंदर कौन कौन सी लाइट है, ठीक है, ये सब चीज हमने डिस्कस किया। तो आज मेरे ख्याल से हम इतना ही पढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और फैक्ट्स को लेकर के हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक जो है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अपना नया जो चैनल है, एक जिसपे हम लगभग सारे टीचर जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, वो है एग्जाम हट। ठीक है, एग्जाम हट, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम में एक्स ए एम एच यू टी है, ई नहीं है, एक्स, ठीक है, एग्जाम हट, ठीक है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे हम सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, सिलेबस की प्लेलिस्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी या एचएसएससी सीजीएल, ठीक है, जो कि उनकी प्लेलिस्ट बना करके अलग अलग टीचर अपने वीडियो अपलोड करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हो मेरी वीडियो, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो अपने ग्रुप्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।